हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर्वकृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था जो 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में, अब हम करें एमसीक्यू के फॉर्म में। ये जो क्लास है ना, ये कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, जैसे कि जिस भी टेस्ट में केमिस्ट्री आती है वो यहाँ से ज़रूर आएंगे क्वेश्चंस। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस, एचपी टैट मेडिकल हूँ, मेडिकल हूँ, नॉन मेडिकल हूँ, सभी के लिए ये सीरीज़ पूरी बेनिफिट होने वाली है। इसमें हम करने वाले हैं 500 से अबव क्वेश्चन, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, इट्स डज नॉट मीन कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इट्स मीन कि आप 4 क्वेश्चन का पता लगा रहे हो कि कौन सा ठीक है या नहीं है। सो इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। और एक बात याद रखना, जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे बोलूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी पॉइंट का क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। सो जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं इस तरीके से बनाए हैं कि 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं एक ही क्वेश्चन में, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। देखिए, हाइड्रोजनेशन यूज़ किया जाता है जब एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजनेशन करनी हो, हाइड्रोजन की करनी हो। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। सॉल्वे प्रोसेस होता है सोडियम कार्बोनेट बनाने में, 10 वाटर मॉलिक्यूल। एंड अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होता है आपका हैबर प्रोसेस, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच अमाउंट द फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड मोस्ट एबंडली फाउंड इन नेचर, जो सबसे ज़्यादा जो कार्बोनिक कंपाउंड है नेचर में पाया जाता है, तो वो आता है सेल्युलोज। ये क्या होता है, प्लांट जो होता है ना, प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखो, जो आपका फ्रक्टोज आ गया, या तो फ्रूट शुगर, ग्लूकोज आपको पता है यूज़ करते हैं पीने के लिए, एंड सुक्रोज आता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, एंड फ्रक्टोज याद रखना, और सबसे ज़्यादा क्या आता है, सेल्युलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलिमेंट यूज टू मेकिंग ए वायर ऑफ ए इलास्टिक हीटर, ठीक है, इलास्टिक ही नहीं, मतलब हीटर के लिए, ठीक है, जो भी उसकी वायर होती है, जैसे कि हीटर होते हैं, चाहे इलास्टिक हीटर, कैसे भी हीटर हैं, ठीक है, उनकी वायर, तो ये आप कैंसिल ही कर दो। द एलिमेंट यूज टू मेकिंग ए वायर ऑफ ए हीटर, तो वो कौन सी आएगी, वो आएगी नाइक्रोम। देखो, वायर ऐसी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी डाली भी जाए उसमें तो वो मेल्ट ना हो, ठीक है, इस तरीके की बनी होगी, तो नाइक्रोम में आ जाता है आपका निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है, Ni पहले फिर Cr, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। और आपको पता है बल्ब का जो फिलामेंट है किससे बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपाउंड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, आर्टिफिशियल रेन मतलब रेन नहीं हो रही और आपको क्रिएट करनी है रेन, तो उसके लिए कौन सी आप केमिकल का यूज़ करोगे। देखिए, जो आता है आपका AgCl एंड AgBr, ये दोनों यूज़ होते हैं फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आता है। जो सिल्वर आयोडाइड, ये यूज़ होता है आर्टिफिशियल रेन मेकिंग में, और सिल्वर नाइट्रेट इसका यूज़ होता है पॉलिशिंग मिक्सर, ठीक है, मिरर की पॉलिशिंग में इसका यूज़ होता है। तो याद रखना, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे बोलते हैं, एक होता है ब्लू विट्रोल, एक होता है ऑयल ऑफ विट्रोल। ब्लू विट्रोल आ जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ऑयल ऑफ विट्रोल आ जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसे बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल, क्या बोला जाएगा, किंग ऑफ केमिकल, याद रखना। नेक्स्ट तीर बढ़ते हैं। मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर, इनर्ट गैस कौन सी मोस्ट एबंडेंट पाई जाती है, इनर्ट गैस वो होती है जो नोबल गैसेस में आती हैं, ठीक है, वो आती हैं आपकी इनर्ट गैसेस में, तो कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे आपके अपन इनर्ट गैसेस आ गए। और कौन सी मोस्ट एबंडेंट पाई जाती है, ये पाई जाती है आर्गन, ठीक है,
तो ये यूज़ होती है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं ना उसमें फिल होती है ये ऑर्गन गैस, ताकि वो इसका बना रहे फ्लो। ज़ीनॉन, ज़ीनॉन एक ऐसी गैस है जिसके बिहेवियर का पता नहीं लगता। इनर्ट गैस है ना एक तो, और ऊपर से इसका बिहेवियर का कभी कैसे रिएक्ट करती है, कभी कैसे रिएक्ट करती है, तो एग्जैक्ट इसके कैसा बिहेवियर है वो आज तक पता नहीं लग पाया है। कभी कैसे बिहेव करती है तो कभी कैसे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट आता है फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। फर्स्ट जो मैन मेड प्लास्टिक है वो कौन सा है? तो देखें, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक है बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट बना होता है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से। ठीक है, टेफ्लॉन का यूज़ देख लेते हैं। टेफ्लॉन का यूज़ होते हैं नॉन स्टिकी पैन बनाने के लिए। इसका फॉर्मूला है टेट्राफ्लोरोइथेन। फिर आता है मेलामाइन, टाइल। ठीक है, फायरमैन जो होते हैं उनके क्लोथ जो होते हैं उसमें मेलामाइन की कोटिंग होती है। ठीक है, फिर आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन से आपके आई थिंक 6-7 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो याद रखना जो भी मैं पॉइंट बोलती हूँ। सो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गैस प्रेजेंट इन स्ट्रीट लाइट एज अ येलो लाइट। स्ट्रीट लाइट देखी होगी सबने, तो येलो कलर की लाइट होती है, तो उसके अंदर गैस भरी जाती है ताकि वो चीज़ मेंटेन रहे। तो कौन सी भरी जाती है? तो वो भरी जाती है सोडियम। कौन सी भरी जाती है? सोडियम। ये आयनाइज फॉर्म में रहती है। ठीक है, आयन्स बन जाते हैं इसके। नेक्स्ट, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है? देखो, ओजोन डिप्लीशन आपको पता है ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारा एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, और जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में प्रेजेंट होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी यूवी रेज से। तो उसमें हो रहा है होल, डिप्लीशन हो रही है किसकी वजह से? मेन कॉज होता है CFCl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है जो है, मतलब हेल्प करता है या मतलब ख़राब करता है ओजोन लेयर को, तो वो आता है क्लोरीन। यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। देखो, एक क्वेश्चन हमने किया स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर किससे बचाती है? यूवी रे से। उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? स्किन प्रॉब्लम होती है। कौन सी गैस आती है? क्लोरीन। और मेन सिक्रीशन कहाँ से होती है? जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, यहाँ से ये यूज़ होती है। सो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेविंग क्रीम इज ए कोलॉइड इन विच ए डिस्पर्स फेस। सेविंग क्रीम, देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें दो चीज़ें मिक्स होती हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्सर मीडियम। मीडियम मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में है, डिस्पर्स फेस जो स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, तो इसमें से डिस्पर्स फेस की बात की गई है सेविंग क्रीम में, तो डिस्पर्स फेस आता है इसमें गैस। तो ये जो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम का क्वेश्चन है, इसे बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेन ए 20 ग्राम ऑफ ए कॉमन सॉल्ट इन 180 ग्राम ऑफ ए वाटर। 180 ग्राम वाटर है, ठीक है, उसमें क्या है? सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ ए सॉल्ट, 180 ग्राम ऑफ ए वाटर। फिर कैलकुलेट ए कंसनट्रेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं, हमें जिसका निकालना होता है अपॉन टोटल करते हैं। तो 20 ग्राम आ गया आपका, क्या आ जाएगा? सॉल्ट। एंड नीचे क्या आ जाएगा? टोटल 180 प्लस 20, तो परसेंटेज निकालनी है, कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो, 0 से 0 कट गई, ठीक है, तो ये 200 आ गया ना पूरा, 80 प्लस करके, ठीक है, ये कट कर दिया, 200 आ गया टोटल। तो 0 से 0 कट गई, 2 से 10, तो कितना आ जाएगा? 10%, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, हैवीएस्ट मैटर। देखो, हैवीएस्ट मैटर वो होगी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हैवी वो चीज़ वो होगी ना, हल्की चीज़ क्या होती है कि एरिया बेशक दिख रहा है ज़्यादा है बट हल्की होगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी। तो सबसे हैवीएस्ट जिसकी हाई डेंसिटी होगी, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है ऑस्मियम की, और सबसे लो होती है आपकी लिथियम की। और याद रखना, जो सोडियम है ये मोस्ट रिएक्टिव है, और ये क्या होता है, वाटर में अगर इसको स्टोर किया जाए तो ये एकदम आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको स्टोर किया जाता है किस में किया जाता है? कैरोसिन में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सीमेंट, सीमेंट का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है?
तो सीमेंट का जो मेनियन कंस्टिट्यूएंट आता है वो आता है लाइमस्टोन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और सिलिका यूज़ होता है ग्लास में। आपका पता है ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट से बना था लेड पेंसिल और भी लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है कई की जगह, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं, एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। तो एलिमेंट क्या प्रेजेंट है ब्लीचिंग पाउडर में, उसके लिए तो पहले आपको ये जानना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कैल्शियम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, कैल्कोजन बिलोंगिंग टू ए ग्रुप नंबर, कैल्कोजन किस से ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है। देखिए ग्रुप 13 आता है आपका बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 आती है आपकी कौन सी फैमिली आती है, कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 आती है आपकी नाइट्रोजन फैमिली, एंड फिर आती है 16, ये आती है ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम बोलते हैं कैल्कोजन। देखो नाइट्रोजन फैमिली 15 है, इनको हम बोलते हैं निकोजन। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग किसमें प्रेजेंट इन ए एलपीजी। एलपीजी में जैसे कि आपको पता लगता है गैस लीक हो रही है नहीं हो रही, किसकी वजह से पता लगता है, उसमें क्या होता है। देखो ऐसे जो एलपीजी होती है, आपको पता है ना एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको हम घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए। ये बनी होती है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से, याद रखना प्रोपेन एंड ब्यूटेन से। एक्चुअली ये जो ये होती है ना, ये स्मेल नहीं क्रिएट करती, स्मेल के लिए डाला जाता है इसमें नया सब्सटेंस। क्यों डाला जाता है, ताकि अगर पता ही नहीं लगे और लीक होती रहे फिर तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, पूरा घर पता ब्लास्ट हो जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि स्मेल आ रही है यानी लीक हो रही है, हम आग ना जलाएं, अवेयर होते हैं। क्या डाला जाता है इसमें, डाला जाता है इथाइल मरकैप्टान, ठीक है, C2, ठीक है, H6S, ठीक है, इथाइल मरकैप्टान डाला जाता है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन एलपीजी की फुल फॉर्म भी आ जाती है, एलपीजी में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, एलपीजी में क्या डाला होता है। तो देखिए कितने क्वेश्चन हुए, रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, जिंक सल्फाइड ये यूज़ किया जाता है रैट को भगाने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या है, हैवी वाटर वाटर है बट हैवी है। देखो हमें पता है वाटर बना होता है H2O से, तो ये सिंपल वाटर को हैवी वाटर बोलते हैं, नहीं। देखो वाटर के होते हैं 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जो प्रोटियम होता है वो आता है D2O, जो उसका यूज़ किया जाता है हैवी वाटर के लिए। अब है वाटर का क्यों नहीं यूज़ करते, D2O का क्यों यूज़ करेंगे। देखो कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो डाउन करना पड़ता है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के हैवी वाटर की। क्लियर हो गया, सो चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्लास्टिक दैट कैन डिफाइन परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर, ठीक है, मतलब प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाती है जब उसको हीट किया जाए परमानेंटली अपॉन हीटिंग। एक होती है प्लास्टिक जो आप उसको मोल्ड कर लो फिर से वो चेंज हो जाती है, ये परमानेंटली ही मोल्ड होगी, तो वो आती है थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, द नंबर ऑफ ए रेडियल नोड इन 4p ऑर्बिटल। 4p ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने होते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है n-l-1। n कितना आ गया 4, l आ गया p है ना, तो 1 1, तो ये सॉल्व करके आ गया आपके पास 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हेन कॉपर वेसल एक्सपोज टू ए एयर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोडिंग विच मिक्सचर ऑफ। डल ग्रीन कोडिंग हो जाती है कॉपर वेसल में, किसकी वजह से होती है, ये होती है आपकी कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, यानी ये हो जाता है नडी। और कौन सा प्रोसेस होता है इसमें, इसमें प्रोसेस होता है करोजन। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए मीथेन। अब कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि जैसे किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ ए हीट रिलीज हो रही है, वो आता है कैलोरीफिक वैल्यू। मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आ गई, तो देखिए
55,000 जो आती है वो आती है एलपीजी की, 1,50,000 आती है हाइड्रोजन की, सबसे ज़्यादा है, 50,000 आती है आपकी मीथेन की, एंड 45,000 आती है आपकी पेट्रोल की, कैरोसिन की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, और इसमें कैपेसिटी होती है कि ये गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। तो इसकी रेशियो कितनी होती है, क्या प्रेजेंट होता है इसमें? होता है HCl एंड HNO3। किस रेशियो में होता है? HCl होता है 3:1 की रेशियो में। ये चीज़ याद रखना, 4-5 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? रॉयल वाटर बताओ किस में डिसॉल्व करने की ताकत है गोल्ड को, फिर एक्वारीजिया किसको बोलते हैं, HCl एंड HNO3 किस प्रोपोर्शन में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन हैज़ फॉर्मूला। इनऑर्गेनिक आती है बेंजीन, सो उसका फॉर्मूला क्या आता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है उसका फॉर्मूला आता है आपका B3H3N3NH6, ठीक है। ये आती है बोरा जीन। देखो B3 ना, तो यहाँ पे जैसे कि ये 6 होंगे, तो यहाँ पे 3 जगह होंगे बोरोन और 3 जगह होंगे नाइट्रोजन और साथ में होगा हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ए हाईएस्ट डाइपोल मोमेंटम। किस मॉलिक्यूल की हाईएस्ट डाइपोल मोमेंटम होती है? चलिए चेक करते हैं। NH3 की होती है 1.4 D, ठीक है। CO2 3 नहीं आएगा, यहाँ पे CO2 आएगा। CO2 की होगी कैंसर, 0 आ गई। BF3 की भी 0। H2 की आती है 1.84 D, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, परसेंटेज ऑफ ए लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में कौन कितनी परसेंटेज होती है? तो देखो लेड पेंसिल क्या बनती है? लेड से नहीं बनी होती, ये बनी होती है ग्रेफाइट से। अभी मैंने एक लेक्चर में करवाया था पीछे, तो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो लेड पेंसिल में परसेंटेज रहती है 0%। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगर किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर करें और हमें भी पता लगेगा कि आपके डाउट्स क्या रहते हैं। तो इसके थ्रू हम चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो, आप टैट एंड सी टैट कमीशन PGT TGT सब चीज़ों के लिए ये जो क्लास है, ये सीरीज़ रहेगी, ये बहुत ही बेनिफिट रहेगी। बहुत क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सो फिर अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।